मुख्य समाचार। देश में एक दिन में हुए 4 लाख से अधिक परीक्षण, प्रदेश में भी जांच का दायरा 11,000 नमूनों से ज्यादा हुआ। प्रदेश में 26,000 से ज्यादा हुए कोविड-19 के मरीज, मुख्यमंत्री भी कोरोना संक्रमण के शिकार। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात और विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 55वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए कोरोना संक्रमण के बाद भी मंदसौर जिले की महिलाएं कैसे बन रही हैं आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। भारत ने एक ही दिन में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 4,20,898 कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण और उपचार की रणनीति को तेज करने की सलाह दी है। इस साल जनवरी में भारत में कोविड-19 परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी जो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में स्थित थी। आज देशभर में 1300 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश में भी अब तक कुल 6,70,155 टेस्ट किए गए हैं। वहीं एक दिन में 11,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से लगभग 18,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शहडोल जिले में आज 10 नए मामले सामने आए हैं। ये दूसरी बार है जब यहां एक दिन में 10 से अधिक मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक 64 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 44 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उधर गुना के विजयपुर स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल से एक अच्छी खबर आई है। यहां बीते दिनों मिले 5 मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खरगोन जिले में 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। इस बीच यहां किल कोरोना अभियान में लापरवाही बरतने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर ANM को निलंबित कर दिया गया है। कटनी में एक साथ 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमण के 110 मामले हैं। सीहोर में बीते 36 घंटों के दौरान 55 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला प्रशासन ने 2 दिन का टोटल लॉकडाउन किया है। CMHO सुधीर डहरिया ने बताया है कि यहां पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 180 पर पहुंच गया है, जिनमें से 23 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, यदि इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम का पालन करें। उसमें सभी लोग मास्क लगाएं, एक दूसरे से नजदीक न जाएं, और जिसको सर्दी जुकाम या ब्रेथलेसनेस हो रही है वो हमारे फीवर क्लिनिक में आकर अपने लक्षण दिखाएं और वहां पे उनका निशुल्क जांच होगी और जांच होने के बाद में उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी ट्रीटमेंट की, पॉजिटिव आता है तो। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज चिरायु अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्री चौहान ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों का पालन आवश्यक रूप से करें। श्री चौहान ने अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 2 घंटे बाद एक अन्य ट्वीट में बताया कि कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैं डॉक्टर की सलाह पर चिरायु अस्पताल में एडमिट हो गया हूं। वहां सभी प्रकार के टेस्ट किए गए हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। श्री चौहान ने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि जनता का कोई काम बाधित न हो, इसलिए अस्पताल से काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश में कोरोना की स्थितियों की समीक्षा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी करेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच राजधानी भोपाल में आज से 10 दिन का टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा। आज करीब 2,500 पुलिसकर्मी शहर भर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात रहे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर यातायात को नियंत्रित किया। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस दौरान राजधानी की सड़कें सूनी रही, केवल इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर दिखाई दिए। बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे, केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूध की दुकानें आदि खुली रही। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बहनों से रक्षाबंधन को ई राखी भेजकर मनाने की अपील की। नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 34,000 प्रवासी मजदूरों के नवीन जॉब कार्ड जारी कर 20,000 से अधिक मजदूरों को काम दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल ने हमारे संवाददाता को बताया है कि रोजगार उपलब्ध कराने का यह अभियान अगले 125 दिनों तक जारी रहेगा। लगभग 34,000 प्रवासी श्रमिकों के नवीन जॉब कार्ड जारी कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त इनमें से 60-70% प्रवासी श्रमिक जो हैं, उनको सबको मनरेगा में रोजगार का अवसर प्रदान करके रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और ये सतत प्रक्रिया अगले 125 दिन तक जारी रहेगी। अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिक एवं जितने भी हमारे यहाँ पे अर्ध श्रमिक मौजूद हैं, सभी को इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के 36,86,000 मजदूरों के लिए अगस्त से खाद्यान्न पर्ची बनाई जाएगी। ये हितग्राही निःशुल्क राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन खाद्यान्न पर्ची न होने के कारण वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों और प्राथमिकताओं पर 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से चर्चा की जाएगी। फेसबुक लाइव से शिक्षकों और अन्य मैदानी सहयोगियों को जोड़ा जाएगा, जिससे वे विभागीय गतिविधियों और प्राथमिकताओं से सीधे परिचित हो सकें। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 55वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, बुनाई के काम से जुड़कर मंदसौर जिले की महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। नाग पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। होशंगाबाद में लॉकडाउन के कारण मंदिर में केवल पुजारियों ने पूजा की, बाकी लोगों ने घर पर ही नाग पंचमी की पूजा अर्चना की। जबलपुर के प्रसिद्ध सीताराम उस्ताद अखाड़ा गंगा सागर में पूजन, हवन और अभिषेक किया गया। यहां के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान का श्रृंगार कर जलाभिषेक किया गया। पन्ना में लोगों ने घरों के बाहर नाग बनाकर पूजा की। आगरमालवा के विभिन्न मंदिरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण शहर के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित है, हालांकि दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए www.mahakaleshwar.nic.in पर जाकर या महाकालेश्वर मंदिर के फेसबुक पेज पर लाइव दर्शन किए जा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान 279 लोगों से 2,28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रायसेन जिले में कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों से बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंपों पर आने वाले लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सूचना चस्पा करने को भी कहा गया है। रतलाम जिला वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाकर कई जमीनों पर से कब्जा हटवाया और सिवनी जिले के बंदौल थाना क्षेत्र के ग्राम चौड़ा में आज घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार।